अगली खबर में बात करते हैं भिंड की, जहां नगर पालिका ने अब गरीब हां ठेला फुटपाती दुकानदारों पर दबंग गई दिखाई। वे रात के अंधेरे में सदर बाजार में निकले और फुटपाती व्यापारियों के हाथ ठेलों पर बुलडोजर चलाया। नगर पालिका की ओर से इन व्यापारियों को कोई चेतावनी व फुटपाथ से सामान समेट कर जाने तक का अवसर नहीं दिया गया। इस बात को लेकर सदर बाजार के व्यापारियों में आक्रोश बना है। वे नगर पालिका भिंड की इस मनमानी कार्यवाही का विरोध करते नजर आए। भिंड का सदर बाजार लंबे समय स्थायी व अस्थायी अतिक्रमण का शिकार है। यहाँ लंबे समय से अतिक्रमण हटाए जाने की जिद्दो जिहाद चली आ रही है। हर बार नगर पालिका अफसरों को विरोध झेलना पड़ता है। अब तक नगर पालिका अफसर स्थायी अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर कार्यवाही के मूड रहते हैं। बीती रात नगर पालिका अफसरों के आदेश पर कुछ कर्मचारियों ने फुटपाथ पर हाथ ठेला में सामान रखकर बेचने वाले गरीबों पर बुलडोजर चलाया। नगर पालिका कर्मचारी 4 JCB मशीनों को लेकर पहुंचे। यहाँ उन्होंने अधूरे बने डिवाइडर और शौचालय को तोड़ा, साथ ही डिवाइडर पर रखे दर्जनों हाथ ठेलों को JCB से तोड़ दिया, जिससे ठेले में बिक्री के लिए रखा सामान भी नष्ट हो गया। फुटपाथ पर सामान रखकर बेचने वाले दुकानदारों को जब सूचना मिली तो वे बारिश में भीगते हुए पहुंचे। जब मौके पर मौजूद नगर पालिका के कर्मचारी से पूछा तो वह कैमरे से भागते नजर आए। नगर पालिका की इस कार्रवाई का लोगों द्वारा विरोध किया गया। दरअसल एक साल पहले सदर बाजार से गोल मार्केट तक नगर पालिका द्वारा लाखों का खर्च डिवाइडर और उस पर शौचालय का निर्माण कराया गया था। डिवाइडर निर्माण के दौरान तकनीकी खामी रही। इंजीनियरों द्वारा डिवाइडर की चौड़ाई अधिक की थी, जिससे सड़क का एरिया कम हुआ था। इसके बाद फुटपाथी व्यापारी आकर जम गए थे, इससे इस सड़क पर हर रोज जाम की स्थिति बनती थी। नगर पालिका द्वारा हाथ ठेले को हटाने के लिए कई बार प्रयास किए, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं थे, जिससे आए दिन जाम के हालात बनने लगे। जानकारी दी हमको अतिक्रमण यहाँ से हटाना है, कुछ नहीं कहा भी हमसे। अच्छा, तो लगभग कितने का नुकसान होगा आपका ये? कम से कम 50-60 हज़ार रुपए का। दोनों ठेले टूट गए हैं, 4-5 ब्रांचें टूट गई हैं और कम से कम 25-30 हज़ार रुपए का माल टूट गया है।